हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। देखिए, बहुत सारी वीडियोस मैं पहले ही आपको बना के दे चुका हूं, बहुत सारे लोगों ने समझ भी लिया है कि ये है क्या। रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, एक्सेस में अगर आपको रिलेशनशिप आती है तो आप काफी ज्यादा आसानी से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, फायदे क्या है मैं दिखाता हूं अभी करके कि क्रिएट कैसे कराना है, ठीक है ना। तो एक बार आप समझ लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एकदम से डिटेल क्लियर हो जाएगा। आप 10-20 टेबल को एक साथ लिंक करा सकते हैं, बशर्ते आपको लिंक कराना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करिएगा तो यहां पर ब्लैंक डेटाबेस मिलेगा, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर डेटाबेस का नाम आएगा। देखिए, इसकी एक्सटेंशन भी आपको दिखाई पड़ेगी। यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है तो यहां पर .accdb ये जो है डेटाबेस के फाइल का एक्सटेंशन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट MySQL यूज करते हैं तो वहां पर अलग कहानी है, लेकिन फिलहाल हम यही यूज कर रहे हैं तो यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक किया, आगे का प्रोसीजर क्या होगा तो यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको क्या देना है, टेबल का नाम, जस्ट आपको टेबल का नाम देना है। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं कस्टमर की टेबल, तो यहां लिख देता हूं कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल लिख दिया मैंने, यानी इस टेबल का नाम हमने दे दिया कस्टमर टेबल। अब ये कस्टमर टेबल हो गया, ये है प्राइमरी की। कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है प्राइमरी की का, प्राइमरी की इज अ काइंड ऑफ यूनिक की। प्राइमरी की इज अ काइंड ऑफ यूनिक की, काइंड ऑफ यूनिक की। ये मैंने लिख भी दिया है, ये प्राइमरी की है और ये यूनिक होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कस्टमर की टेबल बना रहे हैं और यहाँ पे कस्टमर आईडी दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कस्टमर आईडी दे देते हैं आप, तो इसका मतलब हो गया कि ये एक यूनिक की है। ठीक है ना, यानी ये एक बार एंटर हो गई तो आपको दोबारा एंटर नहीं करना है, सेम जो है नंबर आपको दोबारा एंटर नहीं करना है, या सेम टेक्स्ट दोबारा एंटर नहीं करना है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, तो यहां से अगर आप टेक्स्ट ले लेते हैं तो वो टेक्स्ट दोबारा एंटर नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, और यही फॉरेन की बात आएगी। जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट है तो नेम ऑफ प्रोडक्ट आप दोबारा एंटर कर पाएंगे। ठीक है, या नेम ऑफ कस्टमर है तो यहाँ नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर की टेबल है तो नेम ऑफ कस्टमर रखता हूं मैं। ठीक है ना, तो ये नेम ऑफ कस्टमर करेंगे ना तो कस्टमर का नाम आप एंटर कर पाएंगे। तो ये जो है ना फॉरेन की है, क्या है, फॉरेन की। तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक कस्टमर का नाम राम है तो दूसरे कस्टमर का नाम राम नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये है फॉरेन की। ठीक है ना, तो अब ये प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप डेट मेंशन कर सकते हैं, फिलहाल इसको ऐसे ही रखता हूँ, प्राइमरी की और फॉरेन की, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका। और भी फील्ड आप डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल इतना ही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमर की आईडी आएगी और यहाँ कस्टमर का नेम आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कस्टमर की आईडी R001 डाल देता, R001 डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कस्टमर का नेम मान लीजिए रख दिया हमने राम। ठीक है, ये राम रख दिया। अब यहां पर आएंगे R022, ये जो है कस्टमर आईडी दूसरी वाली है। ठीक है, आप यहाँ पे सेम आईडी रिपीट नहीं कर सकते, यही तो प्राइमरी की का मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का नाम कर दिया मोहन, तो ये दो नाम हमने एंटर कर दिया, देख सकते हैं ना। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इस टेबल को क्लोज करता हूँ। इसमें अबंडेंट ऑफ डेटा आ सकता है, मतलब बहुत सारे डेटा को आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक काम, एक टेबल बन गई। अब दूसरी टेबल प्रोडक्ट की बना लेते हैं, तो यहां से टेबल पे क्लिक कर दीजिए और यहां से व्यू पे आ जाइए। ध्यान रखिएगा, हमें डिजाइन व्यू पे जाना है। तो ये जो है प्रोडक्ट की टेबल होगी। ठीक है, प्रोडक्ट की कर दिया, प्रोडक्ट की टेबल। अब ये आईडी आ रही है। ठीक है, अब यहां पर आईडी ना रख करके आप चाहे तो कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे यहां पर प्रोडक्ट की आईडी हो सकती है या कुछ भी। तो फिलहाल इसको आईडी ही रखते हैं और इसको ऑटो नंबर इस बार रख देते हैं। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा काम नहीं है। यहां पर लिख देंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां लिख क्या आएगा, टेक्स्ट डेटा टाइप आएगा। आप चाहे तो यहां से ड्रॉप डाउन बना लीजिए, लुकअप विजिट करके आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो लुकअप विजिट करके ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे, तो यहां पे जाएंगे और यहां पर आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे चले जाइए और यहां से आप ड्रॉप डाउन बना लीजिए। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट में दे दिया आपने, कीबोर्ड दे दिया। ठीक है, फिर नीचे आइए, यहाँ पे माउस दे दीजिए। इसी तरीके से और भी चीजें दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको रिपीट भी कर सकते हैं आप। देखिए, ये फॉरेन की है ना, ये भी तो एक फॉरेन की हुई, तो इसको भी आप रिपीट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड चाहे जितनी बार हो सके रिपीट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया कीबोर्ड, देखिए KEYBOARD कीबोर्ड। तो ये कई बार मैंने रिपीट किया है। ठीक है ना, तो ये लेनोवो का कीबोर्ड है, लेनोवो, यहाँ पे लिख देता हूँ लेनोवो। ये अलग अलग कीबोर्ड्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, आपके समझने में भी आसानी होगी और इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट भी हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करूंगा मैं, यहां पर एक फील्ड, चूंकि रिलेशनशिप क्रिएट कराते समय कॉमन होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहां पर कस्टमर आईडी भी डाल दूंगा, कस्टमर आईडी यही था ना, तो ये कस्टमर आईडी भी मैंने डाल दिया और उसका डेटा टाइप सेम रखेंगे यानी टेक्स्ट रखेंगे। यहां पर भी टेक्स्ट है, आप देख लीजिए, यहां से जाकर के मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए जब मैंने बनाया था कस्टमर आईडी तो इसका डेटा टाइप क्या रखा था, टेक्स्ट रखा था, और यहां पर भी तो हमने टेक्स्ट ही रखा है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कस्टमर वाले टेबल में ये प्राइमरी की है लेकिन प्रोडक्ट वाले टेबल में ये प्राइमरी की नहीं होगी, इस चीज का ख्याल आपको रखना है। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर कभी भी पूछे एकदम चिंता मत करिए, एकदम सीधा जवाब दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए कीबोर्ड हो गया, अब यहां देखिए ड्रॉप डाउन आने लगा, ये देख रहे हैं ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहां पे देखिए ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो यहां पे अलग अलग कीबोर्ड्स का आप चाहे तो एक ही प्रोडक्ट बार बार चूज कर सकते हैं, लेकिन यही प्राइमरी की में संभव नहीं है। मैं आपको प्राइमरी की भी दिखाता हूं। अब ये देखिए ये कस्टमर आईडी भी क्या है, यहां पर फॉरेन की है, लेकिन जो कस्टमर आईडी इसमें पड़ी है वही कस्टमर आईडी आपको डालनी है क्योंकि हमें कराना है रिलेशनशिप क्रिएट। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो यहां पर R011 करना है, तो ये लिखा R011। ठीक है, और यहां पे देखिए यहां पे कर दिया R011, यानी कि ये सेम कस्टमर को जा रहा है, ये सेम कस्टमर को जा रहा है। ठीक है ना, समझ रहे बात को। और यहां देखिए R022, ठीक है, यहां पे R011। ठीक है, तो ये जो है ना काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा R011। ठीक है, ये हो गया, अब इसको सेव कर दीजिए, यहां से सेव कर दिया, अब इसको क्लोज करने की बारी है, सेव करके, तो ये सेव करके क्लोज कर दीजिए और यहां से इसको क्लोज कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए, क्लोज कर दिया, सेव भी कर दिया, दोनों काम कर दिया। यहां से सीधा चले जाइएगा डेटाबेस टूल्स पर, घबराने की जरूरत नहीं है, यहां रिलेशनशिप दिख जाएगा, बस रिलेशनशिप पे आ जाइएगा और ये कस्टमर टेबल जो दिख रही है इसको ऐड करवा दीजिए और ये प्रोडक्ट टेबल जो दिख रही है इसको ऐड करवा दीजिए, ऐड करवाने के बाद दोनों को क्लोज कर दीजिए। अब देखिए ये जो कस्टमर आईडी दिख रही है इसको उठाइए और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके और इसको ले जाकर यहां ठीक सामने इसके छोड़ दीजिए। ये एडिट रिलेशनशिप या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की विंडो ओपन होती है, यहां से इस पर टिक कर दीजिएगा। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब है कि एक टेबल में रहते हुए आप रिलेशनशिप क्रिएट करा लेंगे और एक टेबल में रहते हुए दूसरे टेबल का रिकॉर्ड देख सकते हैं सेम उसी एक ही टेबल में। ठीक है ना, आपने भले ही दो टेबल बनाई हो लेकिन दूसरे टेबल का रिकॉर्ड आपको पहले ही टेबल में दिख जाएगा, यही होती है आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या रिलेशनशिप। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब ये जो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, तो ये आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, अब यहाँ वन टू मेनी रिलेशनशिप मैंने क्रिएट कर दिया, अब देख सकते हैं ये जो है वन टू मेनी रिलेशनशिप है, ये देखिए ये मेनी का सिंबल है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं जाता हूं कस्टमर टेबल पर तो आप देखिए यहां पर प्लस का साइन दिखाई पड़ेगा और यहां पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये डिटेल आपको मिल जाती है। तो यही है आपका रिलेशनशिप। अब ये बहुत सारे टेबल्स में हो सकता है, यहां तो मैंने दो ही कराया है, आप बहुत सारे टेबल्स में करा सकते हैं, क्वेरी बना के करा सकते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप यहां पर सेम आईडी रिपीट कर दे। तो देखिए अगर मैं R011 दोबारा लिखने की कोशिश करूंगा, यहां पे नाम भले ही अलग दे दूं लेकिन ये आईडी के चलते जो है हम इसमें नहीं एंटर कर पाएंगे। देखिए लिख रहा है यू द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। तो ये जो है ना फीचर, कीज का फीचर, इसको अलग बनाता है किससे, एक्सेल से। ठीक है, अगर आप एक्सेल सीखते हो तो ये एक्सेल से डिफरेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये बहुत जगहों पर तो पढ़ाया भी नहीं जाता, तो आपको पढ़ना चाहिए ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, करता हूं ये रिलेशनशिप क्लियर हुआ होगा, और भी वीडियो रिलेशनशिप की है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।